माय गॉड, आयुष्मान ने तो टकला करवा लिया। देखिए आयुष्मान ने अपने बाल पूरे उतरवा दिए हैं, ठंड का मौसम है, लेकिन इन्होंने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी और अपने बालों को पूरा उतरवा दिया है। ये टकले हो गए हैं और देखिए ये मूंगफली खा रहे हैं। तो मूंगफली खाने का तरीका इनका कुछ अलग है। ये पहले छिलके फोड़ फोड़ के देखिए दाने निकाल रहे हैं और फिर मूंगफली खाएंगे आराम से बैठकर। तो ये कुछ अलग तरीके से मूंगफली खा रहे हैं और ये दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग इनका टकला देखिए, हम आपको इनका टकला दिखा रहे हैं। ये देखिए इन्होंने बाल उतरवा दिए हैं और ये रात दिन खूब तेल लगाते हैं। आंवला तेल की शीशी इनकी आधी हो गई है तीन दिन में। ये पूरे दिन में 5-6 बार अपने इस गंजे में तेल लगाते हैं ताकि इनके बाल जल्दी से बड़े बड़े आ जाएं। और हम अभी लगाने जा रहे हैं नेल पेंट। तो देखिए नेल पेंट लगाने जा रहे हैं। तो आपको पता होगा काफ़ी दिनों से हम मार्केट नहीं गए हैं। मार्केट नहीं जाने की वजह से नेल पेंट भी हमारी रखे रखे सभी सूख गई हैं। तो आज हम चेक कर रहे हैं कि जो नेल पेंट अच्छी होगी वही हम लगाएंगे। फिलहाल दो नेल पेंट हमने निकाली है और ये दोनों सूखी हुई हैं, जो बिल्कुल काम की नहीं है, लेकिन हम फिर भी लगा लेंगे इसको क्योंकि अभी नाखून बहुत ख़राब लग रहे हैं। जो पहले से नेल पेंट लगी हुई थी वो आधी आधी करके छूट रही है, इसलिए नाखून अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो हम यही सूखी हुई नेल पेंट लगाएंगे। क्लियर तरीके से तो नहीं ये लग पा रही है, लेकिन नाखून थोड़ा सही लगने लगेंगे इसको लगाने के बाद। तो हम सूखी नेल पेंट ही लगाएंगे। लगाने तो हम बैठे थे हाथों में और पैरों में, दोनों में लगाना चाह रहे थे, लेकिन ये नेल पेंट पूरी तरह से सूख गई है। तो हम सिर्फ एक हाथ में ही लगाएंगे, उसके बाद हम दूसरी नेल पेंट मार्केट से मंगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे। बहुत दिनों से मैंने नेल पेंट नहीं लगाई है। हॉस्पिटल में हम लगभग 1.5 महीने से थे, बिटिया को लेकर एडमिट थे, तो हमने नेल पेंट नहीं लगाई है। हमको इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि हम नेल पेंट लगाएं। और आज थोड़ा हम फ्री हुए हैं हर काम से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम नेल पेंट लगाएं। लेकिन नेल पेंट हमारी सारी सूख चुकी हैं तो हम रख देंगे और एक हाथ में ही हमने लगा ली है। ये देखिए रेड कलर की नेल पेंट है, इसको हमने लगा लिया है एक हाथ में और आगे हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पूरी तरह से सूखी हुई है और बिल्कुल भी नहीं लग पा रही है और इसमें अब ख़त्म भी हो गई है। और आगे आप लोग देखिए बच्चों की मस्ती, कि बच्चे कितने खुश हैं। ये बच्चों के लिए केक आया है, भैया हमारे आए हुए हैं जो कि केक लाए हुए हैं। तो ये ब्लॉग हमारा है न्यू ईयर के दिन का। तो न्यू ईयर पे हमारे भैया भाभी आए हुए थे तो बच्चों के लिए केक लेकर आए थे। तो ये बच्चे खुश हैं और एक साथ मिलकर एंजॉय भी कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे किस तरह से केक काट रहे हैं। ये हमारे आयुष्मान आए हुए हैं केक काटने के लिए। तो बहन का बेटा भी है, 3-4 बच्चे हैं साथ में और साथ में मिलकर एक साथ केक काटेंगे। तो आप सभी लोग देखिए और इन्जॉय करिए।